Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बाहुबली माफिया के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उनकी पत्नी यानी कि निकहत की जेल में मुलाकात का मामला सामने आने के बाद शासन ने जेलों में बंद टॉप 10 बाहुबली माफियाओं पर अपराधियों की सूची को तलब कर ली है। इन सभी को जेल मुख्यालय से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। प्रमुख सचिव कारागार यानी कि राजेश प्रताप सिंह के अनुसार सभी जेल अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की सूची मुख्यालय को उपलब्ध करावाएं। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की व्यवस्था को और मजबूत और मुख्यालय स्तर पर निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश की 30 जेलों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और पहले से मौजूद कैमरे को अपग्रेड करने का कार्य शुरू हो चुका है। प्रमुख सचिव ने जेल मुख्यालय से उन उत्पादों की भी लिस्ट मांगी है जिनका उत्पादन जो है जेलों में हो रहा है। इसके बाद एक योजना बनेगी ताकि कैदियों के स्किल डेवलपमेंट्स पर बेहतर काम किया जा सके और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी किया जा सके। धमकी मिले तो तत्काल बताने के निर्देश। चित्रकूट जेल में निकहत के अब्बास से मुलाकात के मामले में दोषी पाए गए अफसरों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, इसलिए उन्होंने दबाव और डर के चलते मुलाकातें करवाई थी। इस पर सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जेल अधिकारियों कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो, उन पर दबाव बनाया जा रहा हो या फिर धमकी दी गई हो तो इसकी सूचना तत्काल मुख्यालय को उपलब्ध कराए। घटना होने के बाद इस प्रकार की बातों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार की घटनाओं से जेल विभाग में किए जा रहे सकारात्मक और अच्छे काम भी कहीं न कहीं प्रभावित हो जाते हैं। अब बात करें तो आखिरकार वो कौन से टॉप 10 बाहुबली माफिया हैं जिनको लिस्ट में नाम रखा गया है और वो मेन हेड ऑफिस से इन लोगों पर जो है नजरें बनी रहेगी। पहला नाम आता है मुख्तार अंसारी का, जो कि फिलहाल बांदा जेल में बंद हैं, और दूसरा नाम आता है उन्हीं के बेटे अब्बास अंसारी का, जो फिलहाल कासगंज जेल में बंद हैं। इसके अलावा सुंदर भाटी जो कि सोनभद्र जेल में बंद है, खान मुबारक जो कि हरदोई में बंद है, इसके अलावा सुभाष ठाकुर जो कि फतेहगढ़ में है, संजीव जीवा महेश्वरी मैनपुरी में है, बबलू श्रीवास्तव बरेली में है, विजय मिश्रा आगरा में है, अतीफ रजा प्रयागराज में और योगेश भदौड़ा सिद्धार्थ नगर में। तो ये टॉप 10 लिस्ट है अपराधियों की जो कि जेल में बंद हैं और इन पर लगातार कड़ी सुरक्षा की पैनी नजर जो है वो कहीं ना कहीं रखी जानी है। तो बड़ा अपडेट हमें लगा, आपसे बताना चाहिए, और बाप और बेटे यानी कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी पर कड़ी नजर जो है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार की बनी हुई है। तो ये अपडेट कैसा लगा बताइए कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।